Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 10 federal board chapter number 13 electrostatic MCQ number 1 है जी, a positive electric charge. Option A है attract other positive charge, repel other positive charge, attract a neutral charge, repel a neutral charge. अब positive electric charge हमारे पास है तो वो दूसरे positive charge या neutral charge के ऊपर क्या effect create करेगा वो हमने इस option में से find out करना है. तो correct option है B, repel other positive charge. जो एक पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. रीजन क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे और अगर नेगेटिव नेगेटिव आपस में होंगे तो वो रिपेल करेंगे. इसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो भी रिपेल करेंगे. नंबर टू है जी, एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच बिकम न्यूट्रल. नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, आइदर ए बी और सी. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यूट्रल. अगर कोई बॉडी रब्ड होकर नेगेटिव चार्ज गेन कर रही है तो जिस बॉडी के अगेंस्ट वो रब की गई है वो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी. रीजन, charges transfer from one body to the other object being rubbed and body becomes neutral. जो उस body के charge होंगे तो वो जो body हमने rub की है उसके ऊपर transfer हो जाएंगे और जो body rub की जा रही है वो क्या हो जाएगा? Negative charge हो जाएगा और जो इस body के ऊपर हम rub कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? Neutral हो जाएगी. नंबर थ्री है जी, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस्ड नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी, द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट ए? ए बी हमें दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनको हमने आपस में रब किया है. जब हमने ऑब्जेक्ट बी को नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी के करीब लाए हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स ने क्या किया? एक दूसरे को रिपेल किया. तो हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट ए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. रिमेंस अनचार्ज, बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिकम नेगेटिवली चार्ज, अनप्रेडिक्टेबल. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. अब अगर एक बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है जब हमने उसको रब किया है, दो अनचार्ज बॉडीज हैं अगर, तो अगर एक नेगेटिवली होगी तो जाहिर सी बात है जो दूसरी बॉडी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज होगी. और जब हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी के करीब यानी कि ऑब्जेक्ट सी के करीब प्लेस किया तो उन दोनों ने रिपेल किया है, जिसकी वजह से हमने ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. A and B when rubbed together, A becomes positively charged and B become negatively charged as object B repel object C which is negatively charged. Number 4 है जी, when you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of paper are attracted towards it. What does this observation indicates? जब हम प्लास्टिक रॉड को अपने बालों में रब करते हैं तो वो क्या होता है? चार्ज होता है. और जब हम उसको पेपर के पीसेस करीब लाते हैं तो पेपर के पीसेस क्या होते हैं? वो रॉड के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक भी जाते हैं. तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या इंडिकेशन मिलती है? द रॉड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज, द रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, द रॉड एंड पेपर हैव सेम चार्ज, द रॉड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. अब जाहिर सी बात है जब दोनों चीजें आपस में अट्रैक्ट हो रही हैं यानी कि पेपर के पीसेस और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है तो तभी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, द रॉड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज. रीजन, द रॉड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज, दैट इज व्हाई रॉड अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर व्हेन इट इज कैप्ट नियर द पीसेस ऑफ पेपर. नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस. कूलम्स लॉ की मदद से हमने बताना है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान जो है वो सेपरेशन को इंक्रीज कर दें तो अट्रैक्शन हो के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा. अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स अनचेंज, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड.
कूलम्स लॉ क्या था, एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर। अब एफ जो है वो आर से जो है वो स्क्वेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी। रीजन क्या है, कूलम्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर, f is inversely proportional to the square of distance between charges, so as the distance increases, force will decrease respectively. Now question number 6, the Coulomb's law is valid for charges which are moving and point charge, moving and non-point charges, stationary and point charges, stationary and large size charges. Coulomb's law कौन से charges के ऊपर applicable है? तो correct option है C, stationary and point charges. Number 7 है जी, a positive and negative charges are initially 4 cm apart when they are moved closer together so that they are now only 1 cm apart, the force between them is. अब जो दो charges थे positive और negative charges, पहले वो कैसे थे 4 cm apart थे और फिर हम उनको करीब ले हैं, इतना ले हैं कि वो दोनों जो हैं वो 1 cm अपार्ट हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी, 4 times smaller than before, 4 times larger than before, 8 times larger than before, 16 times larger than before. अब क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 4 टाइम कम हुआ है, तो हमारे पास जो फोर्स है वो 16 टाइम, यानी कि जितना हमने डिस्टेंस कम किया उसके स्क्वेयर फोर्स बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर। रीजन, कूलम्स लॉ इज एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स फोर्स इंक्रीजेस 16 टाइम्स। नंबर 8 है जी, 5 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेस इज। 5 जूल वर्क डन किया गया है to move shift at 10 coulomb of charge from one place to another, potential difference उन दो places के दरमियान क्या है वो हमने बताना है। option A है 0.5 volt, 2 volt, 5 volt, 10 volt. तो correct option है A, 0.5 volt. reason क्या है, V is equal to W by Q, W हमें दिया हुआ है 5 volt और Q हमें दिया हुआ है 10 coulomb, तो जब हम इनको formula के अंदर put करेंगे तो हमारे पास V आएगा 0.5 volt. नंबर 9 है जी, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। दो स्मॉल चार्जेस हैं सेपरेटेड किए गए हैं 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस से, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, प्लस क्यू एंड प्लस 4 क्यू, माइनस 1 क्यू एंड माइनस 4 क्यू, प्लस 2 क्यू एंड प्लस 2 क्यू, प्लस 2 क्यू एंड माइनस 2 क्यू। करेक्ट ऑप्शन है डी, प्लस 2q एंड माइनस 2q। नंबर 10 है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी फील्ड लाइन है जो कि कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, नेवर क्रॉस ईच अदर। 11 है जी, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज VC, Q बाय V, QV, V by Q. तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C is equal to Q by V. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा B, Q by V. रीजन क्या है जी, Q is equal to CV, तो C is equal to Q by V. Now that's all about multiple choice questions of chapter number 13, electrostatic physics, class 10, federal board. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and subscribe my channel and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss chapter number 13, electrostatic review questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.